तो दोस्तों ये देखिए ये भीगे चने हैं जो सुबह नाश्ते में हम बच्चों को देते हैं, और ये दो दो चार चार बादाम ये भी हमने भिगो दिए थे। इसमें हमने हरी मिर्च और इसमें काला नमक डाल देंगे। अगर आपके पास नींबू है तो भी डालिएगा, बहुत ही अच्छा लगता है। और नाश्ते में आज बनाएंगे बच्चों के लिए सैंडविच, ये देखिए। और यहाँ देखिए ये सब्जी बची हुई है लौकी की, और तीन आलू रखी हुई है रात की उबली हुई। तो इन सब्जियों को मैं एक में मिक्स करके थोड़ा सा मैं इनको भून करके फिर ब्रेड में लगा लगा कर बच्चों को दे दूंगी। तो किस तरीके से बनाती हूँ आप लोग देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में, और सभी भाई बहनों को राम राम, जय माता दी। कैसे हो आप सब दोस्तों? तो दोस्तों सुबह का समय है और जय माता दी, गुड मॉर्निंग, आप सबका सवेरा मंगलमय हो। तो आज मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर लिया है। बहुत दिनों से मन कर रहा था कि मैं ब्लॉग बनाऊं, और शुरुआत मैंने पूजा से किया है। तो अभी मैं किचन में हूं और बनाने जा रही हूं बच्चों के लिए नाश्ता। तो नाश्ते में आज हम बनाएंगे ब्रेड का सैंडविच और बनाएंगे चाय, क्योंकि हमारे बच्चे को यही सब चीज़ें पसंद है, टोस्ट वगैरह, नमकीन, ब्रेड, ये सब चीज़ें खाते हैं। मतलब रोटी भाजी ये सुबह नहीं खाते हैं खाने में। मैंने और भी सारे वीडियो में, पुराने वीडियो में बताया है, अगर मैं रोटी सब्जी बना देती हूँ सुबह तो ये खा तो लेते हैं, लेकिन इनका लंच चला जाता है, लंच खाने में आचाकानी करते हैं। तो इस वजह से दोस्तों, इसलिए मैं हल्का फुल्का नाश्ता ही बनाकर इनको देती हूँ, जैसे ब्रेड मंगा करके बना देती हूँ, या टोस्ट दे देती हूँ, नमकीन दे देती हूँ। और यहाँ दीपांश हमारे पीछे देखिए मस्ती कर रहा है, तो दीपांश सबसे नमस्ते कर लो। नमस्ते। दीपांश भी हमारा पूजा कर रहा है, हम लोग भी पूजा कर चुके हैं, और हमारे बच्चे सुबह सुबह ही मतलब नहा करके पूजा पाठ करके फिर चाय नाश्ता में सबको देती हूँ। ऐसे ही हमारा सुबह हमेशा होता है। और शिवा अभी देखिए सोकर उठा है, अभी ये जा रहा है नहाने। इस समय बहुत ज़्यादा इसको मतलब ये जब से घर पर आया है ना, तब से इसे बहुत आज़ादी मिल गई है, बहुत ज़्यादा सोता है और टाइम से ना ही उठता है ना ही खाता है, खाली सोने में ही अपना टाइम बिताता है। तो क्या करें, अब दो दिन तीन और होंगी स्कूल, फिर वहाँ पे जाएगा तभी ये अच्छे से पढ़ाई करेगा। घर पर बच्चे थोड़ा सा आचाकानी तो करते ही हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए दोस्तों वहाँ पे है शिवा, देख लीजिए अभी जा रहा है। इधर देख कर हाय कर दो सबसे, हाय कर दो शिवा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं चाय और ब्रेड का सैंडविच। मैंने डाल दिया थोड़ा सा तेल दोस्तों, तो दोस्तों देखिए हमारा दीपांश हमारा हेल्प कर रहा है, खट्टी मीठी चटनी लगा रहा है। कांदा रखो, कांदा तो आगे से थोड़े से दिखा दो। दोस्तों इसी तरीके से हम सेक लेंगे ब्रेड को। छह मिनट लिए अभी, बुलाओ तो बताएंगे। बटर बहुत महंगा मिलता है लेकिन फिर भी मिल गया। तो चाय हमारा हो चुका है और ये इधर ब्रेड सेक उठा है, मतलब फ्राई हो चुका है। तो आ जाइए खाने के लिए, दीपांश बुला रहा है ना? दीपांश बुला रहे हो? इधर देखो, बुला रहे हो सबको?
बोल दो हाँ। आ जाइए नाश्ता करने के लिए, है ना। और यहाँ दोस्तों ये चावल साफ कर चुकी हूँ और इसको मैं चावल वाले डिब्बे में रख दे रही हूँ। और यहाँ काट लेते हैं इसको, छौंक देते हैं और बना दूंगी थोड़ा सा रोटी। और आलू टमाटर की सब्जी हमने रात में बनाया था तो वो भी रखी हुई है। बच्चों लोगों को नहीं पसंद है ये सब्जी तो बच्चे लोग वो सब्जी खा लेंगे। और ऐसे ही हमारा दिन का शुरुआत होता है दोस्तों, ऐसे हर हाउसवाइफ का दिन का शुरुआत होता है। कोई मैं स्पेशल थोड़े ही हूँ कि मेरा दिन ऐसे ही शुरू होता है। दोस्तों अगर वीडियो में हमारी कुछ भी कमी रहती है तो प्लीज आप लोग मुझे बेझिझक बताया करिए, मैं उसे सुधारा करूंगी। तो दोस्तों सब्जी छौंक देते हैं, इसमें डाल दिया है हरी मिर्च और लहसुन और इसमें डाल देंगे जीरा। इसमें हमने जीरा भी डाल दिया है, मेथी भी डाल दिया है दोस्तों। काम हो चुकी है वहीं से। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। फिर इसको मिला लेंगे। दोस्तों शाम हो चुकी है, मतलब दोपहर का सारा काम हो चुका था। हम थोड़ा देर आराम भी किए और अब भी उठे हैं जस्ट, मतलब झाड़ू हमने शाम वाला कर लिया है और थोड़े से बर्तन थे वो भी धुल दिए हैं। चाय रख दिए हैं किचन में, बस सोचा कि वीडियो ख़त्म नहीं किए तो आप लोगों से मिल लूँ और वीडियो ख़त्म कर दूँ। और आप लोगों को हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और दोस्तों मैं क्या सोच रही हूँ, मैं सोच रही हूँ कि हफ्ते में मैं 2-3 दिन ब्लॉगिंग करूँगी और 2-3 दिन मैं रेसिपी की वीडियो डालूँगी। अगर आप लोगों को ये हमारी सुझाव अच्छी लगेगी तो कमेंट करके मुझे ज़रूर सुझाव दीजिएगी कि हाँ या ना, अच्छा रहेगा या नहीं, तो प्लीज़ मुझे सुझाव दीजिए। भी अगर गलती होती है तो उसके लिए क्षमा कर दीजिए, बड़ी बहन छोटी बहन समझ करके, और मुझे ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट दीजिए। क्योंकि YouTube पर आई करेंगे इस चैनल के माध्यम से तो मैं एक दूसरा चैनल बनाऊंगी और उस चैनल के माध्यम से मैं कुछ अच्छा काम करूंगी जो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। और क्या करूंगी आप लोगों को तो पता ही चल जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी। अभी हमें लिस्ट भी बनाना है क्योंकि परसों होली है, तो आप लोगों को एडवांस में होली माता रानी आप सबकी होली मंगलमय करें। मेरी यही दुआ है आप लोगों के जीवन में ढेर सारी खुशियां आए और रंग बिरंगी होली हमारे जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए, मेरी यही दुआ है। और आप लोग भी दुआ करिए कि मैं अच्छी रहूं स्वस्थ रहूं, क्योंकि मुझे तो मेरी ज़्यादातर तबीयत ही डाउन रहती है। तो आप लोग यही आशीर्वाद दीजिए कि मेरी तबीयत ठीक रहा करे ताकि मैं आप लोगों को अच्छी अच्छी वीडियो बनाकर दिखाती रहूं। तो चलिए मिलते हैं कल वाले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, हैप्पी होली सभी को।